सिर्फ 4 सोलर पैनल लगाएं और पूरी गर्मियां अपना एसी और पूरे घर का लोड सोलर के ऊपर सारा दिन बगैर बैटरी बगैर वापडा फ्री चलाएं और लोड शेडिंग और बिजली के बिल से निजात हासिल करें। और खर्चा इतना कम कि आप सोच भी नहीं सकते। जनवरी 2023 में इस पूरे सोलर सेटअप की क्या कीमत होने वाली है इस वीडियो में तफसील के साथ बताया गया है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। तो आप में से बहुत सारे भाइयों के मुझे मैसेज आ रहे थे कि उस्मान भाई गर्मियां आने वाली हैं, सर्दियों का इख्तिताम होने वाला है, काइंडली कोई ऐसा सोलर सिस्टम बता दें कि हमें बैटरी भी ना लगाना पड़े और हमें वापडा भी ऑन ना करनी पड़े, हमारा एसी भी चल जाए और घर का लोड भी चल जाए, सोलर भी इतना महंगा ना हो, सस्ते वाला पैकेज बताएं, जनवरी में उसकी क्या कीमत होने वाली है। तो प्यारे दोस्तों, छोटे सोलर सिस्टम के ऊपर आप सारा दिन अपना एसी और पूरे घर का लोड कैसे चला सकते हैं और उसी के साथ साथ इसको कम खर्चे में कैसे लेके आते हैं, सिर्फ 4 सोलर पैनल के ऊपर इसे आप कैसे चला सकते हैं, इन्वर्टर कौन सा होने वाला है, सोलर पैनल कौन से होने वाली है, बैटरी तो मैं इसमें आपको रिकमेंड नहीं करता क्योंकि बगैर बैटरी आपने अपना एसी सोलर के ऊपर चलाना है, तो इसलिए इस वीडियो में जो इन्वर्टर आपको रिकमेंड करूंगा वो भी बगैर बैटरी चलने वाला होगा, बगैर वापडा आप सारा दिन सोलर के ऊपर अपना एसी या फिर पूरे घर का लोड इजीली उसके ऊपर चला सकते हैं। मजीद बात करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे पेज को फॉलो नहीं किया और आप इस तरह की सोलर के रिलेटेड वीडियोस रोजाना देखना चाहते हैं तो चैनल और पेज को लाजमी सब्सक्राइब और फॉलो कर लें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो अपलोड हो, जिस टाइम भी हो, उसी टाइम आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और सोलर की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। इस सिस्टम में आपको 4 सोलर पैनल चाहिए, किसी भी वॉट के ले सकते हैं। इसमें आप 150, 250, 300 वॉट के नहीं ले सकते, आप 370 वॉट के 4 सोलर पैनल ले सकते हैं, जोनर्जी के ले सकते हैं, सोगो के ले सकते हैं, सोलर मैक्स के ले सकते हैं, किसी भी अच्छी कंपनी के जो आपको वारंटी दे सकता है। अगर आप इससे ज्यादा जाना चाहते हैं तो आप 450 वॉट के 4 सोलर पैनल ले सकते हैं, अगर आप उससे भी ज्यादा पावर चाहते हैं आप 550 वॉट के 4 सोलर पैनल ले सकते हैं, अगर आप उससे भी ज्यादा पावर चाहते हैं तो आप 640 वॉट के 4 सोलर पैनल ले सकते हैं। यहां पर शर्त यह है कि आप जो भी जितना बड़ा भी सोलर पैनल लेंगे वो आप 4 सोलर पैनल से कम नहीं लेने वाले, क्योंकि इस सिस्टम में हम जो इन्वर्टर यूज करने वाले हैं वो भाई 4 सोलर पैनल से कम सोलर को डिटेक्ट नहीं करने वाला, 4 सोलर पैनल से कम आपका जो लोड है वो सोलर के ऊपर शिफ्ट नहीं करने वाला। अब यहां पर आप बैटरी भी नहीं लगा रहे, यहां पर आप वापडा भी यूज नहीं कर रहे, इसलिए भाई आपको 4 सोलर पैनल लगाना लाजमी होगा। बात कर लेते हैं सोलर पैनल पर वॉट आपको कितने का पड़ने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप जोनर्जी में जाते हैं 370 वॉट का सोलर पैनल लेते हैं तो वो तकरीबन 75 से 80 रुपए पर वॉट या 85 रुपए पर वॉट भी आपको मिल सकता है। मार्केट में अगर आप हर दूसरी दुकान पर जाएंगे उसका रेट चेंज हो सकता है, इसलिए मैं आपको एक अंदाजा बता सकता हूँ कि 80 रुपए से लेकर 85 रुपए पर वॉट इस टाइम जनवरी 2023 में चल रहा है। फरवरी में क्या चलेगा, मार्च में क्या चलेगा, अप्रैल में क्या होगा, यह मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है कीमतें कम हो जाएं, हो सकता है कीमतें बढ़ जाएं। वैसे आवाज़ तो यही है कि 100 रुपए पर वॉट तक जाने वाला है। अगर आप 370 वॉट के 4 सोलर पैनल लेते हैं तो ये तकरीबन 1480 वॉट बनते हैं। अगर इसे हम 85 से जरब दे दें, 85 रुपए पर वॉट अगर आपको सोलर पैनल मिलता है तो ये तकरीबन 1,25,800 के आपको 4 सोलर पैनल मिलने वाले हैं। ये मैं आपको जो कीमत बता रहा हूँ ये जनवरी 2023 में बता रहा हूँ, आगे क्या होती है मैं कुछ नहीं कह सकता। जब भी आप ये वीडियो देखेंगे आप तारीख देख लेंगे भाई ये वीडियो किस तारीख को बनी हुई है। अगर आप 550 वॉट के 4 सोलर पैनल लेते हैं तो ये तकरीबन 1,93,600 रुपए बन जाते हैं, जो इसकी इस टाइम कीमत हो सकती है। ये मैं आपको सिर्फ अंदाजा बता रहा हूँ, एक्चुअल जो कीमत है आपको मार्केट में जाकर पता चलेगी क्योंकि रोजाना घंटों के हिसाब से जो कीमतें हैं वो चेंज हो रही हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस पूरे सिस्टम की एक्चुअल कीमत हम 550 वॉट के सोलर पैनल को मद्देनजर रखते हुए इस वीडियो के आखिर में बनाएंगे कि इस टोटल सिस्टम की कीमत क्या होने वाली है। अब बात कर लेते हैं सोलर इन्वर्टर की। तो प्यारे दोस्तों, इस टाइम मार्केट में बहुत सारे सोलर इन्वर्टर 4 किलोवाट की कैटेगरी में मौजूद है, 3.2 किलोवाट की कैटेगरी में भी मौजूद है। तो यहां पर हमने ये देखना है कि बगैर बैटरी कौन से सोलर इन्वर्टर वर्क करते हैं, बगैर बैटरी हो और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर हो हाइब्रिड में, जिसके ऊपर अगर आप बैटरी लगाना भी चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो कोई मसला नहीं है, वो बगैर बैटरी भी वर्क
कर लेंगे। 3.2 किलोवाट वेरॉन सीरीज में इनवर्स का इन्वर्टर भी मिल जाता है। ज्यूनिक का ले लें तो ज्यूनिक मार्वल सीरीज 4 किलोवाट आपको इन्वर्टर ऑफ ग्रिड मिल जाता है जो कि बगैर बैटरी के ऊपर वर्क करता है। इसी तरह आपको सोलर मैक्स में भी मिल जाता है, मैक्स पावर में भी मिल जाता है और ओमेगा पावर में भी मिल जाता है। कौन सी कंपनी आपको कम कीमत में अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है? इन तमाम कंपनीज में आपको ज्यूनिक अच्छी कीमत में और अच्छी क्वालिटी में जो सोलर इन्वर्टर है बगैर बैटरी से चलने वाला 4 किलोवाट में प्रोवाइड कर रही है। तो पहले दोस्तों ज्यूनिक का जो 4 किलोवाट इन्वर्टर है ये मार्वल सीरीज में, इसके रिलेटेड मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे देख भी चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं इसकी मुकम्मल अनबॉक्सिंग वीडियो, इसका मुकम्मल आप इसे खोल के भी मैंने आपको दिखाया है, अगर आप ये मुकम्मल देखना चाहते हैं तो यहाँ या यहाँ लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मुख्तसर मैं आपको बता दूं कि भाई ये एक 4 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है, इसके ऊपर आप 5000 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। प्योर साइन वेव में आने वाला इन्वर्टर है, पावर फैक्टर यूनिटी है इसका, और उसी के साथ साथ इसके साथ आप कम से कम 4 सोलर पैनल लगा सकते हैं। वैसे ज्यादा ज्यादा लगाना चाहे तो 5000 वॉट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। 24 वॉट के बैटरी सेटअप को सपोर्ट करता है, ना भी लगाना चाहे तो कोई मसला नहीं है, बगैर बैटरी ये आपके एसी या घर के लोड को चला सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो मोटर है पाने वाली वो बगैर बैटरी नहीं चलने वाली। अगर आप मोटर को चलाना चाहते हैं तो आप छोटा सा 24 वोल्ट में छोटी छोटी बैटरीज इसके साथ लगा सकते हैं ताकि ये टार्क लोड चलाने के भी काबिल हो सके। अगर एसी को आपने चलाना है तो इन्वर्टर एसी 1.5 टन का आप इजीली इस सोलर इन्वर्टर के ऊपर 4 सोलर पैनल्स 550 वॉट के लगाकर चला सकते हैं, क्योंकि एसी को किसी टार्क लोड की जरूरत नहीं होती। एसी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसका जो कंप्रेसर है इन्वर्टर होने की वजह से वर्क करता है, इसीलिए आप बगैर बैटरी अपना एसी भी चला सकते हैं, इस्त्री भी चला सकते हैं, आप अपने 10 पंखे चला सकते हैं, उसी के साथ साथ आप वॉशिंग मशीन भी चला सकते हैं सोलर के ऊपर, और आप अपना ओवन चला सकते हैं, लाइटें, एलईडी टीवी, फ्रिज भी आप चला सकते हैं। लेकिन अगर आपने 4 सोलर पैनल लगाए हुए हैं 550 वॉट के, तो एक टाइम में या तो आप एसी चला सकते हैं या फिर अपना बाकी घर का लोड चला सकते हैं, और उसमें आप मोटर नहीं चला सकते। तो प्यारे दोस्तों ज्यूनिक मार्वल सीरीज 4 किलोवाट के इन्वर्टर की जो कीमत है इस टाइम जनवरी 2023 में 1,15,900 रुपए है। और अगर हम इस पूरे पैकेज की कीमत देख लें जिसमें सोलर इन्वर्टर्स है, सोलर पैनल्स हैं और सोलर पैनल के स्टैंड हैं जिसके ऊपर आपने सोलर पैनल फिट करके अपने छत के ऊपर लगाने हैं, तो ये तकरीबन बन जाते हैं 3,18,500। तो प्यारे दोस्तों जनवरी 2023 में आप 3,18,500 सिर्फ सोलर पैनल्स, इन्वर्टर और सोलर स्टैंड लेकर आप अपना जो एसी है वो सोलर के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारा दिन चला सकते हैं। इसमें ना वायरिंग की कीमत मैंने शामिल की है और ना ही इंस्टॉलेशन की कीमत शामिल की है, वो आपके आप अपने हिसाब से खर्च करेंगे कि जितनी वायर आपकी लग रही होगी उतनी ही आप खरीदेंगे। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।